अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा आयोग ने गठन में देरी की। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही अब तक यह तय किया गया है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां पर होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है दोस्तों कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां पर होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में एक साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 114,000 अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं एहसास के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी एक साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता PGT के 4163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इनके आवेदन की प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं दोस्तों। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा यह भी अभी तय नहीं है।